पलवल की न्यू कॉलोनी में विधायक दीपक मंगला ने 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली दो सड़कों का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस मौके पर मंगला ने कहा कि इन दोनों सड़कों के बनने से निश्चित तौर पर लोगों का आवागमन आसान होगा। ये लगभग 25 लाख रुपए की लागत की रोड है। तो ये रोड हमारा जो कॉलोनी वाला जो एरिया है, हमारा आबादी वाला एरिया है, और बहुत बड़ी दिक्कत बड़े गड्ढे के अंदर हो गए थे, और आप देख ही रहे निश्चित तौर पर इसके बनने से आवागमन भी सुगम होगा। और इस रोड को लेकर के हमारे पार्षद, हमारे चेयरमैन काफ़ी दिन से प्रयासरत थे, तो आज इसका यहाँ पर शिलान्यास। किस तरह की परेशानियाँ सामने आ रही थी, कब से? बड़े बुजुर्ग बच्चों को दिक्कत आती थी, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था, कोई बुजुर्ग गिरता था। वहीं दूसरी ओर पलवल के औरंगाबाद गांव के मुख्य रास्ते की खस्ता हालत होने के चलते वाहन चालक आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ये रास्ता दर्जन भर गांवों को जोड़ता है। सड़क में जगह जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं। उन गड्ढों में जलभराव के कारण ग्रामीणों को यहां से होकर आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों का बुरा हाल है, पानी खुले में सड़क के ऊपर बहता है। सारे जितनी भी नालियां हैं ये ढंग से बननी चाहिए, ओवरफ्लो पानी नहीं होना चाहिए, कहीं तो पीने का पानी नहीं है और कहीं इतना पानी व्यर्थ जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जितनी जोहड़ है इनकी सबकी सफाई हो, सारी स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए गांव में, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, और ये जो पार्क बनाए हैं इनको अच्छा सौंदर्यकरण करके बनाया जाए ताकि गांव के लोग, इनमें बुजुर्ग और बच्चे और महिला इनमें घूम सकें। गाँव के चारों तरफ की सड़क अच्छी बनाई जाए। सीवरेज सिस्टम सरकार लगाना चाहती है, लेकिन मुझे पता लगा है कि यहाँ गांव में जो सीवर सिस्टम डाला जा रहा है वो गांव की कैपेसिटी के हिसाब से बहुत छोटा है। बदहाली के आंसू बहा रहे बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की सूरत अब बदलने जा रही है। यहां 37 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज, पीने के पानी की लाइन और सड़कें नई बनने जा रही हैं। नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी और बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने निर्माण कार्यों का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया है। इसको जल्दी पूरा कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और अच्छी क्वालिटी और अच्छी मेंटेनेंस हम पब्लिक और जनहित में दे पाए, ये भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कम से कम 8 महीने का समय लगेगा काम को पूरा होने में। क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, तो सीवर और सीवर की जो व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी थी उसके लिए, और जो रोड की व्यवस्था है जो आप देख ही रहे हैं, जो अव्यवस्था यहाँ पे फैली हुई है उसके लिए आज ये उद्घाटन किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने झज्जर के लघु सचिवालय प्रांगण में धरना दिया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सरकार के नाम सौंपा। सीटू संगठन के साथ दिए गए इस धरने में आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार से 10 महीने नहीं बल्कि 12 महीने का वेतन मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों को मर्ज करने की पॉलिसी ला रही है, उसके तहत कई आंगनवाड़ी वर्कर्स को हटाने की संभावना है। एक तो जी हमारी मांगे है, आज पूरे देश में ये हमारा प्रदर्शन है, ऑल इंडिया की कॉल के ऊपर है, पूरे प्रदेश में आज हमारी मिड डे मील वर्कर मांग पत्र दे रही है प्रधानमंत्री के नाम, और इसमें मांग हमारी एक तो हमारे 12 महीने की तनख्वाह दी जाए, ये 10 महीने की तनख्वाह मिलती है हमारे को। दूसरी मांग है कि जो ये चिराग जो योजना लेकर आई है सरकार, इसको तुरंत रद्द करे। एक जो स्कूलों को मर्ज कर रही है इसमें हमारी मिड डे मील वर्कर भी काफ़ी हटने की संभावना है इसमें। दूसरी है कि हमारे को टाइम पे तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमारे को टाइम पर वर्दी का पैसा मिलना चाहिए, वर्दी का आप ये देखिए 300 रुपये मिलता है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं की बैठक स्काउट एंड गाइड के अंबाला हॉस्टल में की गई, जिसमें एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान समेत कई युवाओं ने हिस्सा लिया। 12 जनवरी को आयोजित राज्य युवा उत्सव का युवा काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे। युवाओं ने मुख्यमंत्री से जल्द ही अपनी घोषणा पर अमल करने की मांग की है। और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 12 जनवरी 2022 को एक घोषणा की थी कि हरियाणा राज्य के जितने भी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवा हैं उनको हम हरियाणा के खेल एवं युवा कल्याण विभाग में रोजगार देंगे, और जो युवा नौकरी की उम्र से निकल चुके हैं उनको हम मानदेय देंगे। लेकिन एक साल का समय बीत जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो हमने एक निर्णय लिया है कि जो हरियाणा सरकार राज्य युवा उत्सव मनाएगी उसका सभी हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित युवा अपने सिर पर काली पट्टी बांध कर रोष प्रकट करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय को अपनी घोषणा याद दिलवाएंगे। इसके अलावा हम सभी अपने अपने हलके के विधायकों भी एक एक मांग पत्र हमारी एसोसिएशन की तरफ से देंगे। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।